नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गॉट क्लासेस में। अपन जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वह है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस, जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं। तमाम क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस निम्न की पीडीएफ के हैं। दोस्तों, अपन ने 70 तक के क्वेश्चंस जो है उनको 5 वीडियोज़ में कम्प्लीट कर लिए हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन क्वेश्चनों को ज़रूर देख लें ताकि वह क्वेश्चंस भी आपके अच्छे तरीके से याद हो जाए। हर एक क्वेश्चंस को आपको याद करना है। एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस 2 नंबर का रहेगा, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि आपको नहीं आए एग्ज़ाम में। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ कर याद करना है। दोस्तों, शुरुआत में आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हैं जो कि इंग्लिश से संबंधित हैं। सेंटेंस हुआ, ठीक है, कौन सा शब्द कहाँ पर किस तरीके से बैठता है, इस तरीके के इंग्लिश के क्वेश्चन है जिनको आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही याद रखना है। जैसे कि आपके सामने 71 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए, ठीक है, हर एक वीडियो को आप देख पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, हेल्पफुल रहता है वीडियो, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपन 71 नंबर के क्वेश्चन से। वैसे आपके क्वेश्चन जो ये इस तरीके के क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएंगे। इम्प्रोबिलिटी स्किल्स का वैसे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन जो इंग्लिश वाले इंग्लिश चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हैं वो केवल और केवल इंग्लिश में ही आएंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज़, यानी कि कंप्यूटर को प्रतिदिन उपयोग के बाद क्या करना चाहिए, तो उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए। यानी कि प्रतिदिन आपको कंप्यूटर को जब आपका काम हो जाता है, उपयोग हो जाता है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास जो कि 72 है, वह है हॉबीज़, यानी कि हॉबीज़ यानी होता है शौक, टू एक्टिविटीज़ दैट वी इन आवर एश्योर टाइम। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा, जो कि रिफ्रेश, देखिए हॉबीज़ रिफ्रेश टू एक्टिविटीज़ दैट वी डू इन आवर एश्योर टाइम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर है, ध्यानपूर्वक इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, सिंगिंग, सम एग्जाम्पल ऑफ वीज। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, वाज आएगा, वर आएगा या आर आएगा। तो यहाँ पर है ना आर आएगा। देखिए ये सभी हैं, यहाँ पर बहुवचन आ रहा है इसलिए यहाँ पर आर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शब्दों को रखा गया है, तो यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है द जोक फॉल्स इज द सेकंड वाटरफॉल इन इंडिया। देखिए जोग जलप्रपात भारत का दूसरा जलप्रपात है। तो भारत का दूसरा क्या है, सबसे ऊंची, उच्चतम, उच्च या लंबे। देखिए वैसे ये हिंदी नहीं आएगी, ये हिंदी मैंने आपको समझाने के लिए दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको इसको इंग्लिश में ही समझना है। तो यहाँ पर जो आएगा वो हाइस्ट आएगा, यानी कि उच्चतम, दूसरा उच्चतम जलप्रपात है, ठीक है। सबसे ऊंची तो आएगा नहीं क्योंकि दूसरा है तो सबसे ऊंचा होगा ही नहीं, उच्च भी नहीं होगा, लंबा भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर भी कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड्स विच इज एलोंग द बाय ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु, सॉरी बंगाल इन तमिलनाडु। देखिए यहाँ पर विश्व का समुद्र तट तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के साथ है। तो देखिए
विश्व का उच्चतम ही आएगा इसमें भी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लॉन्गेस्ट, यहाँ पर हाईएस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लॉन्गेस्ट आएगा, विश्व का सबसे लंबा है ना, विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के साथ है, क्योंकि ये ऊंचा तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा सबसे लंबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द सेवन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, तो यहाँ पर आएगा वंडर्स, क्या सेवन वंडर्स। ठीक है, यहाँ पर भी वंडर है लेकिन यहाँ पर वंडर्स ये आएगा WONDERS, यहाँ पर इंग्लिश देखिए ये भी वंडर 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 सब वंडर ही लिखा हुआ है, लेकिन शब्दों का कौन सा सही बैठेगा तो वंडर्स आएगा। ठीक है, तो ये सही है, यहाँ पर वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आएगा। ये क्वेश्चन कुछ है क्वेश्चंस और हैं जो इंग्लिश वाले हैं, फिर आपके हिंदी वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत ही मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, माउंटेन्स ट्रैकिंग सर्फिंग एंड क्यूबा डाइविंग क्लैग्ड एडवेंचर्स, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर क्लाइंबिंग, यहाँ पर तो आएगा क्लाइंबिंग, माउंटेन्स ट्रैकिंग सर्फिंग एंड क्यूबा डाइविंग और क्लैग एडवेंचर्स, यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को देखकर समझ लेना इसको। अगला क्वेश्चन है जो कि है एडवेंचर रिस्क एंड आर टू पीपल हु अंडरेक देम। अब देखिए यहाँ पर शब्द वोके हुए हैं, इन्वॉल्व 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 और इन्वॉल्व, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर बस, और यहाँ पर एक्टिंग 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 एक्टिंग, तो यहाँ पर देखिए एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, सभी में एक्टिंग एक्टिंग है, तो इससे तो अपन को पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्टिंग 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 और एक्टिंग ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही रहेगा, तो यहाँ पर है ना, वैसे अपन इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर अपन को आंसर पता नहीं हो ना तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी एक्टिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक्टिंग है और यहाँ पर भी एक्टिंग है, जब तीन जगह एक्टिंग 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 लिखा हो तो इन तीनों में ही कन्फ्यूजन डालेंगे, तो यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्वॉल्व इन्वॉल्व और इन्वॉल्व ये दोनों सेम सेम आ गए ना, तो इन दोनों में से ये तो हो ही नहीं रहा था, तो ये पूरा ही नहीं होगा, अब बचा ये, तो इस तरीके से यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। ऐसे भी समझ कर आप कर सकते हो जिनको इंग्लिश नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, मैनी पीपल्स वाटर स्पोर्ट्स सर्फिंग क्यूब डाइविंग इन द ओशियन अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आएगा अपना आंसर, तो देखिए मैनी पीपल्स इंजॉय वाटर स्पोर्ट लाइक, देखिए यहाँ पर तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा आंसर है, देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन, मैनी पीपल्स लाइक थोड़ी ना आएगा, लाइक्ड भी नहीं आएगा, इंजॉय आएगा, इंजॉय इसमें भी है इंजॉय इसमें भी है, लेकिन स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही बैठता है सही, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, देयर आर फेमस, देखिए आर आएगा यहाँ पर, अगर आप इसको पढ़कर भी चलोगे ना तो इज तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो ये इज वाला तो होगा ही नहीं, देयर आर फेमस, क्योंकि देयर के साथ आर आता है, इज नहीं आता आर आता है, देयर आर फेमस माउंटेन्स बट बीचेस इन इंडिया, बट आएगा या एंड आएगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो देखिए एंड आएगा, एंड आता तब जब इसके अलावा और चीज़ भी होती, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ है क्या, देखिए फेमस माउंटेन्स एंड बीच, हाँ सॉरी सॉरी यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा आर, ठीक है
देयर आर फेमस माउंटेन्स, है ना, माउंटेन्स फेमस कौन है, एक तो माउंटेन्स एंड बीच, जो बीच रहते ना वो इन इंडिया, यानी कि भारत के फेमस हैं एक तो माउंटेन्स और बीचेस। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में भी अपन केवल और केवल 10 ही क्वेश्चंस करेंगे। ये थोड़े से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका जो खोपड़ी है ना वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए अपन कम कम क्वेश्चंस को कर कर ही आगे बढ़ेंगे, ताकि आगे जो अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे वो अच्छे से अपन याद कर पाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो का जो भी लिंक आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप किसी भी वीडियोस को छोड़ ना सके, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।